शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। कुछ नहीं, आपको ही मुबारक हो। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शिकायत तो तुम्हें मेरी तरफ से भी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे घर में औरतों की चलती ही नहीं तो वहां अब मैं अपनी चलाऊंगा। अब देखना मैं क्या करता हूं। ये क्या कर दिया आपने अभय? बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। ये राज मुझे बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं लग रहा है। पक्का इसने कीर्ति को फंसाने की कोशिश की है। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अभय, मैं आपको ये बात बताऊं कैसे? आप तो बार बार मेरा फोन काट रहे हैं। प्लीज माता रानी, कुछ गलत होने से बचा लीजिएगा। अब क्या गलत हो गया भाई? श्रद्धा, अब क्या नया तमाशा होने वाला है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि मैं अभी तक तीज का सामान नहीं लेके आ पाई तो इस वजह से ही थोड़ा हड़बड़ा सी गई हूँ। अरे हड़बड़ाने से सामान नहीं आ जाएगा, और तुम इंतजार किसका कर रही हो? जाओ भाई। जी मम्मी जी, अभी गई। अरे सुनो, सबसे पहले सामान का लिस्ट बनाओ ताकि कुछ छूटे नहीं, और कल पूजा में कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए श्रद्धा। जी मम्मी जी। हाँ अब जाओ जल्दी। अरे वरुण बेटा, तीज के व्रत के लिए आपने कीर्ति के लिए क्या तोहफा लिया? अरे आप इतने हैरान क्यों हैं? हर साल की तरह इस साल भी कीर्ति आपके लिए तीज का व्रत रखेंगी, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि उनकी खुशी के लिए आप उन्हें तोहफे में कुछ दे। हमें क्या जरूरत है, वैसे भी इतने तोहफे तो दिए हैं ना उसे। अभी उसका बर्थडे था तब भी मैंने। जितना खास ये त्योहार होता है ना एक पत्नी के लिए, उससे भी खास होता है अपने पति से मिला हुआ तोहफा। और इस तोहफे की तुलना और किसी तोहफे से नहीं की जा सकती। ठीक है मम्मी, आप ही बता दो क्या लेके आऊं उसके लिए, मैं मार्केट से जाके ले आऊंगा। पापा, हम भी चलेंगे आपके साथ। अब तो कीर्ति बिजी रहती है और हम उसे अकेले बोर हो जाते हैं। प्लीज पापा, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। ठीक है, आप भी चले जाइएगा और हमारी तरफ से अपने लिए गुड़िया भी ले लीजिएगा। थैंक यू दादी। चुप। करूं मैं इस कीर्ति का? कितना गलत कदम उठा लिया है उसने, वे गलत रास्ते पर चल रही है। लेकिन अब उसे समझाना है तो कैसे समझाऊं?
घर परिवार सब छोड़कर आ गए और आपने क्या किया, अपने घर से हमें बाहर निकाल दिया और तो और सबके सामने बेइज्जत करके हमें ऑफिस से भी बाहर निकाल दिया। इस हरकत की क्या सफाई देंगे आप? कीर्ति मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। अब कुछ नहीं रह गया है सुनने के लिए राज, आज तक हमारी ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की। देखिए आपके लिए ही हम अपने पति को यहाँ तक की अपनी बच्ची को भी छोड़कर आ गए। ये तो एकदम कीर्ति के स्टाइल के इयररिंग्स है ना, ये कीर्ति को पसंद आ सकते हैं। पापा क्या हुआ, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? नहीं बेटा सुन तो रहा हूँ। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, चलो चल के ले लेते हैं। हाँ लेता हूँ मैं जिम्मेदारी अपनी गलती की, मैंने आज तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन कीर्ति तुम्हें भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना, आज जो ऑफिस में तुमने तमाशा किया है ना उसके बाद तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि कितनी मुश्किल से मैंने सिचुएशन को संभाला है रागिनी के सामने। क्यों डरते हैं आप उनसे इतना? क्या करेंगी वो? और वैसे भी तो आप हमारे बारे में उन्हें बताने वाले हैं ना, छोड़ना ही है ना आपको उन्हें। पापा कीर्ति के लिए ये गिफ्ट कार्ड कितना सुंदर रहेगा ना। बेटा कीर्ति को क्या पसंद आता है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। पापा रुको रुको। खैरा बेटा अब मैं बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। पर पापा एक बार वहाँ देखो तो। देख कोई जवाब नहीं है आपके पास, पर आज आपके पास कोई जवाब हो या ना हो हम अपने पुराने रिश्ते को आपके लिए छोड़कर आए, तो आपको ना अब हमारे इस नए रिश्ते को पूरे शिद्दत से निभाना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कीर्ति। I love you. मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? सामान ले लिया है, बस अभी घर के लिए निकल रही हूँ। जी कीर्ति तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं?
अपनी औकात मेरा समझा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर मुझे आज के बाद हाथ भी लगाया तो तेरे शरीर की एक एक हड्डियां तोड़ दूंगा, और अगर दोबारा मेरे रास्ते में भी आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, वो भी बाजार के बीच में, शर्म नहीं आती है क्या? पहले हाथ इसने उठाया था और यहां तक कि कीर्ति पे भी हाथ उठाने की कोशिश की इसने। वरुण जी, पहले इसे संभालो फिर दूसरों को देखना। मुझे घर जाने। वरुण जी आपको इतनी चोट आई, मैं डॉक्टर को फोन करती। जो चोट कीर्ति ने मुझे दी उसके सामने ये चोट तो कुछ भी नहीं। आज कीर्ति ने मुझे हरा दिया, हरा दिया मुझे। अब उसमें ताकत नहीं है श्रद्धा कीर्ति को वापस लाने की, ना हमारे रिश्ते को वापस से जोड़ने की। श्रद्धा, मैंने कीर्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें तक धोखा दी, और आज तुमने देखा, आज वो हमें ऐसे ही छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के, हमारी बेटी को छोड़ के। वरुण जी, कीर्ति बस भटक गई है। श्रद्धा तुम्हें पता है, अगर रिश्ते भटक जाए उन्हें रास्ते पे वापस लाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर रिश्तों में बिना किसी अफसोस के, बिना किसी शिकन के बेवफाई आ जाए ना, तो रास्ते बदल जाता, और ऐसे रास्ते से रास्ते किस्मत की लकीर बन जाता। वरुण जी, कीर्ति को राज से कोई प्यार नहीं, वो तो बस उसकी दौलत उसे लुभा रही है, वरना कीर्ति आज भी आप ही से प्यार करती है, और इसी बिना पे हम कीर्ति को वापस लेकर आएंगे, वो सिर्फ आप ही के बारे। जी मम्मी जी। अरे श्रद्धा तुम कहाँ हो भाई, शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक तीज का सामान नहीं आया है, इससे अच्छा तो होता कि हम ही चले जाते। मम्मी जी हाँ, सारा सामान ले लिया है, बस रास्ते में ही हूँ, ऑटो मिलने में थोड़ी देर हो गई थी, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी आओ तुम। जी मम्मी जी। आधा घंटा बोल के 1 घंटे के लिए चली जाएगी और फिर आएगी और कहेगी माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, हमसे देरी हो गई। भाभी गुस्से में रहने के साथ साथ अब आपने नौटंकी करनी भी शुरू कर दी है। आज ना हमें अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, तो एक काम करिए ना ऋतु, अगर उनकी इतनी याद आ रही है तो आप उनके याद में नीचे चली जाइए और हमें और नैना भाभी को तीज की तैयारी में मदद करिए। अरे हमें अभी अभी याद आया कि हमें तो मंदिर फोन करना है, फोन हमारा अंदर कमरे में है, हम जाकर लेकर आते। पता था जहाँ काम का नाम लो बहाने बना के अपने कमरे में भाग जाएंगे। हे भगवान, हम भी जाते हैं और नैना भाभी की मदद करते हैं, वरना उनमें सासू माँ की आत्मा घुस जाएंगी और बोलने लगेगी कुछ काम नहीं करती। अरे काम भी हमें सोच समझ के देना चाहिए था, हम श्रद्धा के भरोसे इतना सामान मंगवा रहे थे और अब शाम होने को आई और मैडम जी अभी तक दर्शन तक नहीं दी हैं। अरे हमने भी तो वरुण और कियारा को भेजा है कीर्ति के लिए तोहफा लाने के लिए, लेकिन अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भाभी हमारे बेटे को तोहफे शोफे लेने के लिए फुर्सत तक नहीं है, कितना मेहनत करता है बेचारा, और ये श्रद्धा एक काम के लिए 2 घंटे लगा रही है।
वरुण श्रद्धा, बेटा, बेटा क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी है आपको? आई आइए बैठ, आई बेटा पानी लेकर आओ, जाओ चलिए। क्या हुआ? देखिए ना कितनी चोट लगी है इन्हें। भैया पानी। किसने किया ये? कह रहे बेटा आप इतने डरे हुए क्यों? बेटा आप चाचू को बता सकते हो ना? अच्छा ठीक है, शुरू से बताओ। आप पापा के साथ बाहर गए थे ना, फिर क्या हुआ? चाचू सीधा वहां से मार्केट गए थे, थोड़ी चीजें देखी। फिर क्या हुआ? फिर वो अचानक कोई मेरे सामने आ गया, मुझे दिखा नहीं, टक्कर लगी और मैं गिर गया। ज्यादा चोट नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। वो कियारा ने मुझे नीचे गिरा हुआ देखा तो बेचारी घबरा गई। है ना बेटा? क्या बेटा, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। देखो पापा बिल्कुल ठीक है, पर हम सब है ना यहाँ पे। आप अभी अपने कमरे में जाओ और जाकर खेलो। कियारा आप मेरे साथ चलो, मैं सिया और सानवी को ही बुला लेती हूँ। कीर्ति की वजह से आज बड़ा हादसा होते होते बच गए। कल आपके लिए तीज का व्रत रखने वाली है ना, और जब पत्नी की श्रद्धा पति के लिए इतनी पवित्र हो ना, तो बड़ी से बड़ी बला ना टल जाती है। कर क्या रही है कीर्ति अपनी जिंदगी के साथ और इन सब के साथ? नहीं, मुझे अब खुल के कीर्ति से बात करनी होगी। तो सिर्फ वरुण जी के साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ बहुत गलत कर रही है। अगर तू पहले ही अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर आ जाती ना, तो ये नजर चुराने की नौबत नहीं आती। कीर्ति तेरे सामने, तेरी बेटी के सामने तेरे पति पर किसी गैर आदमी ने हाथ उठाया और तू वहां चुपचाप खड़ी रही, कुछ कहा नहीं तूने। कीर्ति अगर अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो कम से कम इंसानियत तो नहीं भूलती ना? वरुण जी को राज पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्होंने हाथ उठाया इसलिए इतना बड़ा तमाशा हो गया। अच्छा, तो एक गैर आदमी जिससे अभी बस तेरी गिनती भर मुलाकात ही हुई है, वो आदमी तेरे लिए वरुण जी से ज्यादा जरूरी हो गया है? राज गैर नहीं है। तो फिर कौन है बता ना, क्या रिश्ता है तेरा उनके साथ बोल। दीदू आप जैसा समझिए ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे और राज के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हम बस दोस्त से थोड़ा ज्यादा है, पर राज हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, हमारे सारे सपने पूरे करेगा वो, जो हम बचपन से देखा करते थे दीदू, इसलिए हम उनसे शादी करना चाहते हैं।
कीर्ति तो ये क्यों भूल रही है कि तुम दोनों शादीशुदा हो और तेरी एक 7 साल की बेटी भी है कीर्ति। दुनिया की नजर में सिर्फ और सिर्फ एक नाजायज रिश्ता है। दीदो इसीलिए तो हम वरुण जी से तलाक लेना चाहते हैं ताकि हम हमारी आजादी हमारी हमारे अस्तित्व से हम और समझौता ना कर पाए। और कभी सोचा है आपने कि उन्होंने हमसे शादी क्यों की? क्योंकि उन्हें ना दुनिया वालों को दिखाना था कि उनके पास एक सुंदर बीवी जो उनके साथ हर जगह जाती है, उनके घर को संभाल रही है, उनके परिवार को देख रही है। कभी हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए? राज, जो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए हैं वो दो ना। ये चॉकलेट्स हम खास लंदन से लेकर आए, सोचा इन्हें अच्छा लगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।